हेलो, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कैपिटल बजटिंग एंड व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है? तो कैपिटल बजटिंग इज़ नथिंग बट इट इज़ ए प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है जिसमें कंपनीज इवेलुएट करती है और रैंक देती है। मतलब कंपनीज़ को इन्वेस्टमेंट करना होता है बहुत सारी प्लांट में, मशीनरीज़ में, इक्विपमेंट में। तो कौन से प्लांट में, कौन से इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करें, किस में करना प्रॉफिटेबल होगा, ये सब डिसाइड करना पड़ता है। तो ये सब डिसीज़न लेने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे कंपनी को कोई इक्विपमेंट चाहिए, कोई मशीन चाहिए, उसके पास दो ऑप्शन है। अब वो दो ऑप्शन में से वो कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगी, तो वो किस बेसिस पे सेलेक्ट करेगी, तो ये प्रोसेस को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। तो इसकी बहुत सारी टेक्निक्स भी है जो भी वो हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले दिया है कैपिटल बजटिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच कंपनीज इवेलुएट एंड रैंक देयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश। तो जिसमें ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है उनको इवेलुएट करना वो सब ऑप्शन को और रैंक देना कि किस में इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसके एग्जाम्पल दिया है इसका प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट इज़ कैपिटल बजटिंग टेक्निक, मतलब किस टेक्निक के बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा इन्वेस्टमेंट करना है और कौन सा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो इसमें कुछ अभी मैंने 5 और 6 टेक्निक्स आपको बताई हैं, और भी हैं लेकिन हम लोग को इस पे ज़्यादा फोकस करना है। द फर्स्ट वन इज़ पे बैक पीरियड, सेकेंड इज़ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, थर्ड इज़ नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसको NPV बोलते हैं, नेक्स्ट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नेक्स्ट इज़ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, लास्ट वन पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। इम्पॉर्टेंट है, और भी हैं, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन पहले अभी ये बेसिक चीज़ों पे फोकस करते हैं। इनका मीनिंग वीनिंग मैं आपको ऑन द स्पॉट क्वेश्चन में ही बताऊंगा, क्योंकि वो टाइम पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन पार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो हमें क्या निकालना है? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है और दूसरा निकालना है नेट प्रेजेंट वैल्यू। दो चीज़ निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बाय अकबर लिमिटेड। तो एक कंपनी का नाम है अकबर लिमिटेड और इस कंपनी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, उसके बेसिस पे हमें ये दो चीज़ निकालनी है। इज़ कंसिडरिंग टू सेलेक्ट ए मशीन आउट ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट। ये मशीन नहीं है, इक्विपमेंट है। तो दो इक्विपमेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कोई भी एक इक्विपमेंट खरीदना है तो दोनों में से डिसाइड करेंगी कि कौन सा इक्विपमेंट लेना चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट नहीं लेना चाहिए। तो पहले इसका इन्फॉर्मेशन दिया, देखो इक्विपमेंट वन यहाँ पे दिया है 15 लाख, कॉस्ट 6 ईयर्स एंड 4 ईयर्स, और इक्विपमेंट टू 10 लाख, यहाँ पे 5 ईयर्स और 3 लाख उसका कैश एनुअल कैश इनफ्लो है। एक्चुअल में दिस इज़ द इक्विपमेंट टू, क्योंकि दिस इज़ द कॉस्टली वन, दिस इज़ टू एंड दिस इज़ वन। तो अगर ये कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट में आप इन्वेस्ट करते हो तो पहले में 10 लाख लगेगा, उस इक्विपमेंट को आप 5 साल तक चला सकते हो, और वो इस इक्विपमेंट को अगर आपने यूज़ किया तो 3 लाख का आपको क्या मिलेगा, हर साल कैश इनफ्लो मिलेगा, मतलब पैसा आएगा। सेम वे में अगर आपने मशीन टू यूज़ किया तो उस मशीन को ख़रीदने में आपका 15 लाख जाएगा और उसकी लाइफ जो होगी वो 6 ईयर्स की होगी, मतलब 6 साल तक आप यूज़ कर सकते हो, और हर साल आपको कितना पैसा मिलेगा, 4 लाख रुपया मिलेगा। तो यहाँ पे 3 लाख मिल रहा है, वहाँ पे 4 लाख मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो अकबर लिमिटेड ने बोला है भाई ये इक्विपमेंट वन है, ये इक्विपमेंट टू है, इसको ख़रीदने का खर्चा इतना, उसकी लाइफ है मशीन को कब तक, इक्विपमेंट को कब तक यूज़ करना है, 5 ईयर और 6 ईयर्स, और हर साल कितना कितना इन्फ्लो आने वाला है, 3 लाख और 4 लाख। अब इस बेसिस पे आपको दोनों मेथड फॉलो करने, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड और नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और उसके बेसिस पे हम लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा इक्विपमेंट ख़रीदना अच्छा होगा। अब जब भी याद रखना कि डिस्काउंटेड बोला है तो हमें एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देगा, वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ पे दिया है, देखो ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है, नहीं होगा तो हम लोग देख लेंगे कैसे निकालते हैं। यहाँ पे 12% का फैक्टर दिया है, ये एज इट इज़ याद रखना है, कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो अभी हम लोग करते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, यहाँ पे सेम है, देखो यहाँ पे मैंने बराबर लिखा है 10 लाख, 5 ईयर्स,
3 लाख, 15 लाख, 6 ईयर्स, 4 लाख। ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का फार्मूला है। आप लोग भी एग्ज़ाम में सबसे पहला फार्मूला लिखेंगे। दोनों फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है। काफ़ी बड़ा फार्मूला लग रहा है आपको, लेकिन क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आपको और ईजी पड़ेगा। तो सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। पहले लेंगे हम लोग इक्विपमेंट वन। तो इक्विपमेंट वन में अब देखो कितना 5 ईयर्स है। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है इसका फॉर्मेट टाइप में। तो सबसे पहले वी विल राइट ईयर्स। तो ईयर ज़ीरो से स्टार्ट करना है, क्योंकि याद रखना वो मशीन आप 5 साल तक यूज़ करोगे, लेकिन उसको ख़रीदना पड़ता है। तो जिस साल में ख़रीदते हो वो ज़ीरो ईयर होता है, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है तो ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ती, राइट। तो इसलिए हमेशा याद रखना ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5। इसके बाद हमें लिखना है कैश फ्लो कितना आएगा। तो आपने 10 लाख का अगर मशीन ख़रीदा है तो कैश इनफ्लो कितना आएगा, 3-3 लाख। तो हर साल देखो, सबसे पहले 0 ईयर में आएगा आपका 10 लाख माइनस में, क्योंकि पहले पैसा जाएगा इक्विपमेंट के लिए, ख़रीदेंगे तो पैसा जाएगा ना, उसके बाद पैसा आता है। तो फर्स्ट ईयर में कितना पैसा आएगा, 3 लाख। दूसरे साल में कितना आएगा, 3 लाख। तीसरे में भी 3, फोर्थ में भी 3 और फिफ्थ में भी 3। पहले माइनस में जाएगा क्योंकि ख़रीदना पड़ेगा, और उसके बाद 3-3 लाख रुपये आपको रिटर्न आएगा हर साल। अब लिखना है प्रेजेंट वैल्यू। ये कॉलम ए हो गया कैश इनफ्लो, और सेकेंड कॉलम है पीवी। तो पीवी आपको पता है पीछे था, तो वही लिखना है हम लोग को, कॉपी करना है। तो फर्स्ट ईयर में जब रहेगा ये 1 लिखने का, उसके बाद ये चेंज जो भी रहेगा 5 ईयर 6 ईयर जो भी रहेगा एज इट इज़, इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे करना है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब फर्स्ट ईयर में आपने 1 रुपया अगर इन्वेस्ट किया, तो 1 साल के बाद 1 रुपये का वैल्यू 1 रुपया नहीं होता है, 89 पैसा हो जाएगा। वही 1 रुपये का वैल्यू 2 साल के बाद 79 पैसा हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉपी करना है, और उसके बाद थर्ड कॉलम बनाना है जिसमें हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लिखते हैं ए इंटू बी, मतलब ये मल्टीप्लाई बाय ये आएगा आपका सी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट कॉलम में कितना आएगा, -10 लाख। सेकेंड में जो भी आप करोगे मल्टीप्लाई तो वो आएगा। थर्ड में ये दोनों को मल्टीप्लाई, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, एक एक करके आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसके बाद 3 कॉलम बन गए। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉलम है वो है क्यूमुलेटिव का। तो क्यूमुलेटिव कैसे करते हैं, क्यूमुलेटिव ऑफ सी, तो इसका क्यूमुलेटिव करना है ये कॉलम का। तो इसका क्यूमुलेटिव करेंगे तो पहला -10 लाख ही आएगा, याद रखना। जो पहला अमाउंट रहता उसको ऐसे ही लिखना है, फिर दूसरे कॉलम में इसको लेके इसमें ऐड करके इधर लिखना है। तो कैसे आएगा, तो ये -10 लाख, तो कैलकुलेटर पे आपको -10 लाख लिखना है प्लस 2,67,900 ये लिखना है, तो इतना आएगा। अब थर्ड कॉलम में दिस प्लस दिस ये करना है, तो ये कर लेंगे, माइनस में 4,93,000 आएगा। माइनस का साइन दबाना ज़रूरी है, तो एक बार आपने कैलकुलेटर पे दबा दिया तो ऑलरेडी वो माइनस में ही रहेगा, तो कुछ करना नहीं, सिर्फ प्लस करते जाओ। अब आपके कैलकुलेटर पे -4,93,000 आएगा, तो अब प्लस क्या करोगे, 2,13,600, तो माइनस में 279,400 आएगा। फिर ये प्लस ये करोगे तो माइनस में 88,600 आएगा। फिर इसमें ये प्लस करोगे तो ये प्लस में 81,500 आएगा। कैलकुलेटर पे ऑटोमेटिकली होगा, बस स्टार्ट में याद रखना है जब आप ये 10 लाख लिखोगे ना, तो माइनस का साइन पहले दबाने का, फिर प्लस जो अमाउंट दिया आपके 1, 2, 3, 4, 5 ईयर में वो लिखना है, ठीक है। इतना कर लेंगे, बहुत सिंपल है। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद ये करना है फॉर्मूला जो है वो लिखना है। तो वो हम लोग ने लिख दिया, तो कुछ नहीं करना है। अब याद रखना डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या होता है। तो पे बैक पीरियड का मतलब होता है कितने साल में पैसा हम लोग ने जो इन्वेस्ट किया है वो निकल के बाहर आएगा। अभी बोलते हैं ना कि सर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो बोलेंगे हमारा पैसा कब रिटर्न मिलेगा, पूछते हैं ना कितने साल में दोगे, तो वो पूछ रहे, तो दैट इज़ नथिंग बट पे बैक पीरियड। तो जितना पैसा आप कंपनी में लगाओगे कितने साल के बाद वो रिटर्न आएगा, दैट मीन्स इट इज़ अ पे बैक पीरियड। लेकिन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ये मनी फैक्टर होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी 2 जन हैं, राम और श्याम। राम ने श्याम को बोला कि भाई
मैं आपका फ्लैट 2 लाख में ख़रीदता हूँ, सॉरी 20 लाख में ख़रीदता हूँ, वो रेडी हो गया, राइट। ये बात है कुछ 1980s की, 20 लाख में डील हो गया। अब राम ने उसको टोकन दे दिया था 1 लाख का, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो डील फाइनल नहीं हुई। अब आ गया 2020, अब उसमें राम ने बोला कि भाई मैं आपका फ्लैट ख़रीदना चाहता हूँ, 20 लाख में 1 लाख दिया था, मैं 19 लाख और दे के फ्लैट ख़रीद लूँगा। तो अभी वो पॉसिबल है नहीं, अभी उसकी वैल्यू 2 करोड़ हो गई है, राइट। तो सेम वे में डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी ऐसे ही चलता है, पैसा उतना ही रहेगा लेकिन उसका इन्फ्लेटेड वैल्यू, इन्फ्लेशन की वजह से कितना उसमें गिरावट आई है वो निकालना होता है, दैट इज़ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि कितने साल में पैसा रिटर्न आएगा, लेकिन वो पैसा जो रिटर्न आ रहा है, कितने साल में रिटर्न आ रहा है, उसको हमें इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करके देखना पड़ता है। क्योंकि 1 रुपये का वैल्यू, ये आप यहाँ पे देखेंगे ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बी यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे 1 रुपया पहले साल में था, लेकिन सेकेंड ईयर में उसका कीमत कितना हो गया, 0.89 हो गया, थर्ड ईयर में कितना हो गया, 0.79 हो गया, चेंज हो रहा है ना 1 रुपये का वैल्यू। तो सेम वे में पे बैक पीरियड इस बेसिस पे, डिस्काउंटेड बेसिस पे कितना होगा वो निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, क्यूमुलेटिव देखने का, तो लास्ट माइनस देखने का। इधर देखो क्या दिया, लास्ट माइनस अमाउंट्स ईयर, तो लास्ट माइनस अमाउंट्स ईयर, तो लास्ट माइनस ये है क्यूमुलेटिव कॉलम में, लास्ट माइनस अमाउंट ईयर, तो कितना साल है, 4 साल, तो आपका आएगा 4 ईयर्स, ठीक है। प्लस अब ये जो दो अमाउंट है यहाँ पे दिया है ना, लास्ट माइनस अमाउंट इन क्यूमुलेटिव कॉलम, तो दैट इज 88,600 यहाँ पे दिया है, डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर अमाउंट इन प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो, दैट इज सी। तो इसमें नेक्स्ट ईयर अमाउंट कितना है, 1,70,100, तो यहाँ पे देखो 1,70,100 आता है, ठीक है। बस इसको डिवाइड करते जाने का, ये दोनों अमाउंट लेना है क्रॉस में ऐसे, ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे आपका आएगा 4 ईयर 0.52, फिर इसको और करेंगे तो 4.52 ईयर, और 4 ईयर 62.5 मंथ्स, ये आप लोग करके देख सकते हो, राइट। तो इसका ये मतलब होता है कि जो ये 10 लाख रुपये आपने पहला इन्वेस्ट किया ना, तो ये 10 लाख रुपये के बाद हम लोग को ये सब इनफ्लो हुआ, ये सब क्या है, पैसा आया। तो कब अपना पैसा रिकवर हो रहा है, तो जो पैसा है ना 10 लाख, वो ये 2 साल के बीच में रिकवर हो रहा है। यहाँ पे देखो ये माइनस में है ना, मतलब अभी भी पैसा रिकवर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ प्लस में आ गया, तो ये दोनों के बीच में ही हमारा पैसा रिकवर हो रहा है। तो एग्जैक्टली कितने साल पे रिकवर हो रहा है, तो हमारा जो पूरा 10 लाख रुपया है ना, वो 4 साल 6.25 मंथ में क्लियर हो रहा है। तो दिस इज़ द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का मतलब ये होता है कि जो पैसा आप बिजनेस में लगाते हो, इक्विपमेंट में लगाते हो, मशीन में लगाते हो, वह एग्जैक्टली कितने साल में आपको रिटर्न मिलता है, दैट इज़ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू का भी फॉर्मूला दिया है, देखो यहाँ पे दिया है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू, तो इसका पूरा टोटल कर लेंगे ये इधर का, तो इसका टोटल आएगा 10,81,500, तो 10,85,500 डिवाइड बाय टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, दैट इज़ नथिंग बट इन्वेस्टमेंट। तो कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग ने इन्वेस्टमेंट कितना किया यहाँ पे 10 लाख का, तो डिवाइड बाय 10 लाख, तो एकदम सिंपल है। तो 10,85,81,500 डिवाइड बाय 10 लाख इज गिव्स यू 1.0815। इसका मतलब होता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया और आपको जितना इन्फ्लो मिला, राइट, जितना भी इन्फ्लो मिला उसमें वो पूरा अमाउंट कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा होना चाहिए नेट प्रेजेंट वैल्यू, अगर 1 से ज़्यादा है तो समझ जाना कि इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है, 1 से कम रहेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू तो इन्वेस्टमेंट करना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतना भी पैसा नहीं आएगा वो प्रोजेक्ट से कि हम लोग अपना पूरा इन्वेस्टमेंट कवर कर सकें, राइट। तो ये आप लोग देख लो, एकदम सिंपल है, नहीं समझेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सेम वे में आपको इक्विपमेंट 2 करना है, तो ईयर लिखेंगे 0 to 6, क्योंकि यहाँ पे 6 ईयर्स है, तो 0 to 6 लिख देंगे। फिर हम लोग यही कॉलम पूरा लिखेंगे, कैश इनफ्लो, पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू और क्यूमुलेटिव। पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 15 लाख, राइट,
फिर उसके बाद हर साल 4-4 लाख आ रहा है, सिंपल फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट है, राइट। फिर अब हम वो पी वी फैक्टर लिखेंगे जो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, तो ये 1 रुपी सेम आएगा, 6th ईयर एक यहाँ पे बढ़ जाता है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला तो -15 लाख होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक अमाउंट आते जाएगा, ठीक है। फिर क्यूमुलेटिव करेंगे तो पहला अमाउंट एज इट इज़ रखना है, तो अब कैलकुलेटर पे क्या लेने का, -15 लाख प्लस ये अमाउंट प्लस करते जाने का और लिखते जाने का, तो ये आएगा माइनस में इतना। अब ये कैलकुलेटर को छूना नहीं है, फिर प्लस 31,88 आएगा, फिर प्लस करते जाना है, एक एक करके अमाउंट आएगा, लिखते जाना है -58, और देखो यहाँ पे जाके प्लस में हुआ, तो इसका मतलब है ये दोनों साल के बीच में ही अपना इन्वेस्टमेंट कवर हो रहा है, राइट। तो पहला डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड लिखना है, फिर कौन सा इसका लास्ट माइनस अमाउंट ईयर इन क्यूमुलेटिव कॉलम, तो लास्ट माइनस कहाँ पे है, वो साल है 5 ईयर, राइट, तो हम लोग लिखेंगे 5 ईयर प्लस लास्ट माइनस अमाउंट, तो लास्ट माइनस अमाउंट तो यही है -58,000 डिवाइड बाय नेक्स्ट ईयर अमाउंट इन पी वी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, तो नेक्स्ट ईयर अमाउंट कौन सा है, ये वाला है, तो इसको डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों कॉलम देखो यहाँ पे बराबर, राइट, ये दोनों कॉलम को डिवाइड करेंगे, फिर लिखेंगे 5 ईयर्स प्लस इसको डिवाइड करेंगे आप, 0.286 आएगा, फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 5.286 ईयर्स और 5 ईयर्स और 3.43 मंथ्स होगा, राइट। तो ये आपका पे बैक पीरियड है, तो 5 साल 3.43 मंथ्स में पूरा 15 लाख रिकवर होगा एग्जैक्ट, तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड वो फाइंड आउट करता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू में तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, तो कैश इनफ्लो बच्चा इधर से है, तो ये इतना ही अमाउंट टोटल करने का, 15 लाख नहीं, वो तो आउटफ्लो है, तो इसका टोटल आया 16,44,800 डिवाइडेड बाय कितना इन्वेस्टमेंट है, 15 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो डिवाइड बाय 15 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 16,44,800 डिवाइड बाय 15 लाख गिव्स यू 1.097, राइट। तो दिस इज़ द आंसर, तो इतना ये भी फेवरेबल है, लेकिन दोनों में से ज़्यादा फेवरेबल कौन सा है, अगर आप पे बैक पीरियड देखेंगे तो ये पैसा जल्दी रिकवर हो रहा है, तो बेस्ड ऑन पे बैक पीरियड वी विल सेलेक्ट इक्विपमेंट 1, लेकिन बेस्ड ऑन NPV वी विल सेलेक्ट इक्विपमेंट 2, क्योंकि यहाँ पे 1.09 आ रहा है, यहाँ पे 1.08 है, तो ये थोड़ा ज़्यादा है, तो वी विल सेलेक्ट दैट ही, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कैपिटल बजटिंग, नहीं समझा आप एक दो बार और देखेंगे तो आपको समझेगा, और कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, थैंक यू।